नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण जी की छठी के बारे में बातें करेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। अब 6 दिन के बाद श्री कृष्ण जी की छठी मनाई जाएगी। बता दें, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहते हैं और इस दिन पूरे विधि विधान के अनुसार लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग कढ़ी चावल बनाते हैं, लड्डू गोपाल को स्नान करवा के पीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। इस दिन भगवान का नामकरण भी किया जाता है। श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा, माधव, नंदलाला, देवकी नंदन भी कहते हैं। छठी वाले दिन इनमें से कोई भी एक नाम लड्डू गोपाल का रख दिया जाता है। आइए जानते हैं छठी मनाने का कारण, आखिर क्यों मनाते हैं छठी। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने रातों रात ही यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब यह बात पता लगी, पूतना को श्री कृष्ण के यहाँ मारने के लिए गोकुल भेज देते हैं और यह आदेश देते हैं कि गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मार दिया जाए। पूतना के गोकुल पहुंचते ही यशोदा बालकृष्ण को छिपा देती है। श्री कृष्ण को पैदा हुए 6 दिन ही हुए थे और उनकी अभी छठी भी ना हो पाई थी, तब तक उनका नामकरण भी नहीं हुआ था। इसके बाद यशोदा ने 364 दिन बाद सप्तमी को छठी पूजन किया और तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाने लगी। इतना ही नहीं, तभी से बच्चों की भी छठी की परंपरा शुरू हो गई। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आगे की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। धन्यवाद।